सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों मैं हूं यहां पे बॉश के बूथ पर। हालांकि वैसे तो यहां पे देखने के लिए बहुत सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, लेकिन मैं दोस्तों जाके देखने वाला हूं स्मार्ट ट्रांसपेरेंट वाइजर को, जो कि गाड़ियों में अगर हम यूज करें तो काफी इंटेलिजेंट तरीके से शेडोज को मैनेज करेगा आंखों के आसपास। तो आगे देखते हैं आखिर बॉश जो है वो कैसे इस चीज को इंप्लीमेंट करता है और आखिर ये रियल लाइफ में कैसी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये है मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे बॉश बूथ पे CES 2020 पे, जहाँ पे मतलब जो एक्सपीरियंस था वो बिल्कुल लाइक अ बॉश था। बिकॉज आप दोस्तों देखिए, अगर चारों तरफ तो यहाँ पे लिखा है लिव लाइक अ बॉश, स्लीप लाइक अ बॉश, वॉक लाइक अ बॉश, टॉक लाइक अ बॉश, मतलब सारे काम लाइक अ बॉश। और यहाँ पे दोस्तों बॉश जो है वो आप जानते हैं कि स्मार्ट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है, और ऐसे में बहुत ज़्यादा एक एडवांस्ड हमको फीचर्स देखने को मिलते हैं बहुत बार बॉश प्रोडक्ट्स में। और इनफैक्ट दोस्तों ये बहुत बार डायरेक्टली B2B भी काम करता है, जहाँ पे बाकी बिजनेसेस को सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। और फिलहाल यहाँ पे इस वीडियो में मैंने यार डेमो लिया इसी स्मार्ट वाइजर का बॉश की तरफ से, जहाँ पे ये खैर मैं अपनी टेक्निक्स में कवर कर चुका था, लेकिन मुझे लगा कि जाके देखता हूँ कि एग्जैक्टली इन पर्सन कैसा एक्सपीरियंस रहता है। तो यहाँ पे दोस्तों कॉन्सेप्ट क्या है ना, कि अगर मैं आपसे बात करता हूँ किसी कार की, तो उसका जो दोस्तों सन वाइजर होता है वो मतलब जब सामने धूप आई हमने उसको डाउन किया, तो वो हालांकि हमको धूप से तो बचाता है, लेकिन ऐसे में जो विजिबिलिटी है उसको भी थोड़ा सा रिड्यूस कर देता है। तो उसी को काउंटर करने के लिए ये एक स्मार्ट सॉल्यूशन है दोस्तों स्मार्ट वाइजर के फॉर्म में, जहां पे हम बेसिकली देखते हैं एक लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है। और यहाँ पर दोस्तों इसमें छोटे छोटे जो हैं वो मॉड्यूल्स में इसको ब्रेक किया गया है, हम इनको पिक्सल्स कह सकते हैं। और होता क्या है कि यहाँ पे सामने एक कैमरा लगा है। अब हालांकि खैर फिलहाल तो एकदम प्रोटोटाइप है, और यहाँ पर दोस्तों लगा है सामने की तरफ ये एक बेसिक सा वेबकैम, लेकिन खैर आगे चल के डेफिनेटली कैमरा भी और बेहतर होगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये सीधा ट्रैक करता है जो सामने ड्राइवर बैठा है उसके फेस को और उसकी आँखों को, और उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों जो आँखों वाला पोर्शन है सिर्फ करस्पॉन्डिंग जो उसके रिलेटेड दोस्तों पिक्सल्स हैं या फिर दोस्तों सेक्शंस हैं वो डार्क कर दिए जाते हैं। तो ऐसे में आपकी आंखों में सूरज नहीं आएगा और जो बाकी पूरा एरिया है वो आपको ट्रांसपेरेंट देखने को मिलेगा। तो यार ये मतलब एक काफ़ी कन्वीनियंट सॉल्यूशन होगा, ऐसे में आपको धूप से भी निजात मिल जाएगी और जो दोस्तों विजिबिलिटी है वो भी बिल्कुल कम नहीं होगी। अब हालांकि फिलहाल तो खैर ये प्रोटोटाइप है और मतलब इसमें डेफिनेटली काफ़ी इंप्रूवमेंट्स होने बाकी हैं, लेकिन दोस्तों मुझे इसकी एक बात अच्छी लगी वो थी इसकी रिस्पॉन्सिवनेस। मतलब आप जितना जल्दी राइट लेफ्ट ऊपर दोस्तों मूव करते हैं अपने चेहरे को अपने फेस को नेचुरली, जैसे दोस्तों आप करेंगे गाड़ी ड्राइव करते हुए, अगर आपको रियर व्यू मिरर चेक करना है, अगर आपको साइड मिरर्स वगैरह चेक करने हैं, अगर आपको शोल्डर चेक करना है, तो उस केस में भी यहाँ पे ये जो सन वाइजर है ये बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रैक करता है बहुत ही तेज़ी से आपके फेस को, जिसके चलते आपको धूप के अगेंस्ट बिल्कुल मतलब अच्छे से काफ़ी बेहतरीन से प्रोटेक्शन मिल जाती है। और यहाँ पे फिलहाल खैर कहना है बॉश का कि ये दोस्तों बात कर रहे हैं अलग अलग कार मैन्युफैक्चरर्स के साथ में, अभी ऐसे में देखते हैं कि वो कौन सा कार मैन्युफैक्चरर होगा जो सबसे पहले इसको अपनी गाड़ी में इंप्लीमेंट करता है। अब जब ये लगाया जाएगा स्मार्ट सन वाइजर, तो ऐसे में सामने साथ में कैमरा भी होगा, और अगर दोस्तों गाड़ी में कैमरा लगा हो तो और बहुत सारे जो है फंक्शंस उनके लिए विंडो खुल जाती है। फिर चाहे दोस्तों ड्राइवर को ट्रैक करना हो इसलिए कि भाई वो कहीं सो ना रहा हो या वो कहीं थोड़ा सा मतलब एक्टिव ना हो गाड़ी चलाते हुए, तो मतलब एक कैमरा लगने के बाद में डेफिनेटली बहुत और सारे ऑप्शंस के लिए पॉसिबिलिटीज खुल जाएंगे। लेकिन अब ये जो फिलहाल खैर बहुत ही सिंपल बेसिक लेकिन इफेक्टिव सॉल्यूशन है सनवाइजर का, ये तो खैर मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसी बॉश के बूथ पे। बाकी अगर आप बताइए कि क्या आप दोस्तों जब गाड़ी चलाते हैं, अगर आप चलाते हैं तो आपको सनवाइजर की वजह से कभी ऐसा लगता है कि हाँ यार विजिबिलिटी थोड़ी सी कम हो गई है, आप बताइए अपनी राय नीचे कॉमेंट्स में। और हम करते हैं इंतजार कि आखिर ऐसा जो स्मार्ट सनवाइजर है वो हम कब देखते हैं गाड़ियों में फ्यूचर में। दोस्तों देखा आपने यहाँ पे कि कितना कमाल था ये सॉल्यूशन स्मार्ट वाइजर का बॉश के बूथ पे। आगे चल के देख सकते हैं कि कौन सी गाड़ियों में आता है या फिर और ऐसी जगह हैं, फिर चाहे वो स्पेसशिप हो या कार हो या दोस्तों कोई भी ऐसा सॉल्यूशन हो जहां पे ह्यूमन इंटरेक्शन हो और सन आता हो आंखों में, तो ऐसी जगह पे स्मार्ट वाइजर बड़े आराम से काम आ सकता है। तो खैर दोस्तों फिलहाल में इतना ही, देखने के लिए आपको धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई तरह सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसा ही कमाल कंटेंट लेके आता रहता हूँ। दोस्तों इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।